सीताराम गुजर गांव बाई तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान। आइए
हमारा प्रोग्राम वहां से शुरू है जहां कि भगवान देव नारायण ने गढ़ गोठन में जन्म लिया और जन्म लेने के उपरांत राणा ने बाबा देव को बहुत सताया और आज ऐसी हालत को देख करके माता साडो अपने इमुआ और निबुआ भाई के लिए पत्र लिखते हैं। लोगों बड़ी गौर से सुनी है और सोचने लगी अगर इस बच्चे को मैं नहीं ले जाऊंगी तो राणा इसे मार देगा, गुजर का वंश मिट जाएगा। मेरे बंधुओं मेरे दोस्तों सुनने वाले भाइयों जरा सुने क्या बताया। साडो एक पत्र लिख करके और एक नौकर को दिया और नौकर वहां से चला है। लोगों क्या जिला भीलवाड़ा पड़ता है और पढ़ते ही पत्र जाते ना भैया
पहुंचे आए। ऐसी खबर सुनिए साधो ले भैया गयो आंगने आए, मगर वही अपने मन में लग जाएगी अब नैया पार। आज साधो माता ने सुना है तेरा भाई आया है तुझे लेने के लिए, बड़ी हर्ष के साथ खुशी में फूली डोल रही है और बोली कि हे भगवान अब मेरी विपता अवश्य ही कट जाएगी। आज सारी गायों को लेकर के मां साढ़े अपने नन्हे से बच्चा लेकर के देवनाथ भगवान को और चलने का विचार किया, कैसे है बताया। अरे गौ माता चालो, अरे गौ माता चालो छोड़ो तबे देखो, नहीं रहना हो और राणा के दुख को अब नहीं सहना। बोली क्या हे मां अब तुम चलो यहां से। अरे हाथ में ले लियो भालो, आज नेहा ने और हाथ में ले लियो भालो समय ना अकेले को। गयो पानी माँ बोली अरे माँ ते ये समय कूटा लो, और माँ ते ये समय कूटा लो छोड़ो तवे ले को। इतनी सुन के और चली गौ माता और मारो रूठ गयो रे विधाता, और छोड़ दियो आज तबे पकड़ लियो के ले आ।
साड़ो माता अपनी सारे गायों को लेकर के और नन्हे से बच्चा को बाबा देव को लेकर के गोदी में चली है माड़वा के लिए। लिखा है कभी लोगों ने क्या कि एक समय ऐसा जो खजाने में हाथ रहे और एक समय ऐसा कि जो पास नहीं पैसा है, एक समय ऐसा कि भोजन अनेक मिले, एक समय ऐसा कि कहो साग कैसा है। बताया आज समय के बलियारी को देखते हुए माँ साडो अपने बच्चे को लेकर के ननिहाल के लिए जा रही है। कैसे साडो यो रोही रे और समय को निहार के और साड़ो और माला सेरी डोंगरी पेरो नहीं आंसू डाल के माला से शेरी डूंगरी पे साडो माना रोती माला शेरी आज माला शेरी जो डूंगरी थी उसकी गोद में बैठ करके माँ साडो कहने लगी माँ अगर आज वीर बगड़ाव के जिंदे होते तो ये मेरे सामने आफत नहीं आती। और बोली भैया साडो अपनी माला से डूंगरी को चरण स्पर्श करके ढोक लगा करके और अपने देवधनी को लेकर के चल देती है। और आइए लोगों इधर में जो बगड़ाओ तो वादा किया था बिजोरी कांजरी से आज वो समय आया और वो बिजोरी कांजरी सारे हिंदुस्तान में घूम के आई। लेकिन एक बात है कि जिस टाइम बगड़ाओ जिंदे थे 4.5 करोड़ का गहना बगड़ाओ तो ने पहरा दिया था और 4.5 करोड़ का बकाया रख लिया। आज सारे दुनिया में घूम आई रही है कह दिया राजा भोज ने अगर जो 4.5 करोड़ का गहना वो किसी पहरा दे तो तू उन्हीं के गुणगान करियो और ना पहरा तो वापस गढ़गूठन में आ जियो। आज बिजोरी क्या बताया भैया और देश विदेश में और घूमे बिजोरी और कौन न धीर बंधाई अरे घूमत घूमत आज बिजोरी गढ़गोठन में आई
संसार में घूम करके वो बिजोरी वापस आई है, देखा करके क्या हेरे गढ़ गोठन में, गढ़ गोठन में आके देखा उजड़ खेड़ा पाया, निहा सूरमा भोज सवाई कहीं नजर नहीं आया, का पता भी नहीं कहां चले गए बेचारे, क्योंकि वो तो रण भारत में मारे गए। यहां बताया रे के बिजोरी सुन मेरे बाबा इतनो भेद बताए दर्श कराए दे, और कोठर में घूम करके बिजोरी पहुंची है बाबा रूपनाथ के पास में, और रूपनाथ बाबा से कहा कि बाबा इतना तो बता दे मेरे मालिक कहां गए। के बिजोरी सुन मेरे बाबा इतनो भेद बताए दे, उनके दर्श कराए दे। मरने का नाम सुना बिजोरी ने, मेरे बंधुओं आज धरती में पछाड़ खा गई वो बिजोरी कांजरी, बोली मरने का नाम सुना कानों से हिलकी देखे रोई, उन बिन कौन है बाबा मेरा साथी ना है कोई, अगर बगड़ो तो मारे गए तो उनके बिन मेरा संसार में है भी कौन। क्या बोले बोली महात्मा, कह तो राजा भोज के मुझे दर्श करने एक बात सुन ले कान से, क्या
चार में लिखी हमारे अच्छे मान्य बरादरी हैं, और वह है कौन? श्रीमान जी गोपाल मास्टर बड़का वाले, उसने लिखा है, बताया क्या? कोरोवेद किसान सवेरे कोरोवेद के रात मझार, मझार कहते बीच, कोरोवेद किसान सवेरे कोरोवेद के रात मझार, कोरोवेद के वक्त पड़े वे कोरोवे और दिए त्योहार, देवनारायण की। दूसरे बोले में हम आपको उसी कथा से जोड़ रहे हैं, जब बिजोरी कांजरी वहां से चली जाती है और इतने में बाबा देवनारायण को लेकर के मासाडो अपने देश देवास गांव में माड़वा पहुंच जाते लोग। इतने क्या हुआ? उगते ही प्रभात और केंदे लई हाथ खेल दे आयो। एक दिना जब देव बाबा कुछ बड़े हो गए तो गेंद का ख्याल रचाने लगे, और एक दिन गेंद हाथ में लेकर वह साथियों को बीच में आया, बताया क्या? उगते ही प्रभात केंदे लई ओमी और हाथ खेल वे को आयो। अरे जब बल्ला हथियो हो दबाए के मन बहुत घनो हरसायो, और साथ के साथ में देव भगवान गेंद कहने लगे, और गेंद में ऐसो दबा के बल्ला दियो गेंद गई सक कक 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 मामी के महल में। क्या बात मेरे लोगों, आप देख रहे हैं बाबा देव नारायण का ये इतिहास। आशा करूंगा भगवान से आपको अच्छा लगेगा। नकड़ा पे अपने हाथ फैला रहे भाई कुप्पू मलावली खोर्रा वाला, और प्यारी प्यारी ढोलक बजा रहे हैं भाई ओमी उदपुरी वाले, और मुनेश भाई भुसार वाले की तो बात ही क्या है, जो पेड़ को तो घुमाई को पटक दी। और मेरे छोटे से भीम बेटा बैठे हैं मेरे पास में, भाई अमर सिंह जाट रोणकुल वाले, बताया क्या? और प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई अनिल मंडावर वाले स्टूडियो में, और रघुवीर और रामकृष्ण संगति दे रहे, क्या बताया है? ओन हार की बात के नई हाल तोर दे मानी, जब दी मधारी ने दे दियो बल्ला मार रहे किलकारी। चितला
कभी नहीं मिटाई और आज ऐसो दियो दबा के बल्ला गैन महलन में सीधी गई है सगगगगग मामी के महल में और मामी चरखा काट रही थी और वो गेंद पड़ी है मामी के हाथ में, मामी के हाथ का चूड़ा मोल गया, गजब हो गया। क्या बताया भैया? अरे उछल गेंद महल में सो आई, भैया सुनियो ध्यान लगाई, हाथी दांत को चूड़ा सो फूटो आगे की में तो तुमरे बताए। तो मामी लाल गुलाल हो गई, जैसे अग्नि का सा रूप धारण कर लिया और बोली क्या, मेरो लाखों को नुकसान करो देखे यार सन्यासी ने, मेरो मिलके कह लेंगे बाबा देव से कि गेंद गई है महल ने, भैया जाके गेंद को लेके आओ। और आज भगवान देव नारायण गेंद लेने को गए और माँ से विनती कर लेगा अपनी मामी से कि मामी मेरी गेंद आई है महल में। मामी लाल गुलाल होकर कहने लगी, अरे दुष्ट, अरे तू पापी हत्यारे, बोली क्या, अरे तेरो जागो सत्यानाश खिलाड़ी तू कहाँ ते आयो है, तेरो जागो सत्यानाश अरे कहाँ ते आयो है, खिलाड़ी कहाँ ते आयो है, तेरो जागो सत्यानाश अरे राम करे तो पड़े पीजुरी, ये भगवान ये किसका लड़का है, कौन का है, सालों का तो नहीं है। बोली राम करे तो परे पीजरी काय को जायो है, केरो जायगो सत्यानाश खिलाड़ी तू काते आयो है,
विरुद्ध तू मेरी आखन आगे से चला जा। हे पापी, तेने मेरा बड़ा नुकसान किया है। देव महाराज हाथ जोड़ करके विनती करके बोले, क्या मामी? अपने चरणों में गिर करके कहने लगा, मामी एक बात सुन ले मेरी। बोले, बताया? और हाथ जोड़ के और पढ़ो देव जी, और देख मामी के चरणन में सबे साथी रहे, मंगाए रे गेंद आई महलन में, आइए महलन में। समय बलवान है मामी, चाहे जो कह ले, लेकिन एक बात और कही। अरे कर कर ख्याल रे फट जाए भैया हेरा, ओ
भाई अंत ही गुजारा होगा। बोले भैया और आप देवनार भगवान वहां से चल करके मामी कैसे अपनी मैया के पास आए और मैया साले से बोले क्या, अरे रोए गयो देवा, अरे रोहे गयो देवा, हाय मेरी मैया मचल गयो देवा, हाय मेरी मैया रोए गयो देवा। बेटा तू क्यों रो रहा है, अरे तेरे क्या हो गया बेटा, रोवे ना, रोते नहीं है अच्छे बच्चे, रोते नहीं है बेटा, क्यों रो रहा है। आज देव भगवान कहने का, माँ माँ मुझे बेटा मत कहो, मैं आपका बेटा नहीं हूं माँ। क्यों जाकी भर भर आवे सो छाती, बापू बरस गयो मेहा, बरस गयो मेहा, आए बोरी मैया रोए गयो देवा। क्या बात है बेटे, बाबा कहने लगे माँ मुझे पेड़ कह रहा हूं मैं, मुझे बेटा मत को। क्यों बताया, लाला की एकदम बंध गई ये हिलकी, ने क्या कि माँ मेरे बात सुन ले गौर से, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ये पता है तू मुझे कहां से लेकर के आई है। बोली भैया अरे हाथ जोड़ के और देवा जब बोलो और भैया सुनियो तू ध्यान लगाई, अब डटवे को ना हूं मेरी मैया साची साची तेरे बताए, और कहने लगा मां मैं इस भोग में नहीं रहूंगा भैया, क्यों कौन बाप को मैं बेटा हूं मां, साथी तो बोती दी जोरी बताए, और बोले कह तो साथी तू बात बता दे नहीं मरू तो मैया कटार आए, बताए।
तो बता दे मामू। अरे बेटा ना है बच्चे को तेरो बार बार समझा रहे बोले क्या बेटा ऐसा क्या हो गया? देव भगवान खुद बोले माँ से माँ साधो से बताया क्या अरे यहाँ रहने का धर्म नहीं और माँ मर जाऊं मार कटारी जाऊं अपनी भोग मात तू सुन ले बात हम सारी बात मालवा देश में पहुंच गई। पूरे देवास गांव इकट्ठा हुआ और उनके मामा और मामी हाथ जोड़ के देवास कहने लगे क्या
अरे कहीं मानो भाणजे तुम मत जइयो, कहीं मानो, कहीं मानो भाणजे मत जइयो, कहीं मानो। और आप तो जिस मामी ने उलाहने दिए बाबा देव के लिए, वे पावन में गिर गई, कहने लगी बेटा अगर तू चला गया तो हमारा है भी कौन यहाँ। बोली क्या छोड़ अकेली तू कहाँ तू जावे, तेरी मामी तो हाय हाय खावे, बहुत लालच दिया, लोभ दिया, बहलाया, चुकाया, कह रही बेटा अगर तू चला गया तो इस देवास गांव में हमारा है भी कौन। बोले जाने को तो जाओगे और ली मैंने दिल में ठान, लेकिन मेरे देश में कोई दो ऐसा बरदान। देव महाराज से बोली मामी बेटा जा रहा है, जाएगा तब जरूर, लेकिन एक ऐसा वरदान देके जाओ मेरे मालवा देश में जो कभी याद रहे। बोले और मामी कहने लगी, देव महाराज अपनी मामी से बोले क्या अरे सुबस तो बसियो मामी तेरोरी, ये मालवा है माँ, तेरा मालवा देश अच्छा बसेगा। अरे सुबस तो बसियो मामी ये तेरो देश मालवा, और तेरी कालिया में कभी तो पड़ेगो ना है का।
कभी संतान नहीं होगी, तू सदा बांध रहेगी सदा के लिए, ये मेरा अटल वरदान है। देखिए बंधु, हमने आपको एक वॉल्यूम में ये दो कथा सुनाई है। अगर आपकी इच्छा होगी, आपकी फरमाइश होगी और अगर हम पे कोई गलती होगी हो उसका सुधार करेंगे, हमको सूचना भेजें। जब भी हमने प्राण गया बाबा देव नारायण का, इसके मालिक हैं भाई राकेश भीमटोला वाले और अधिक विक्रेता हैं रोहतास गुजर बड़ौदा में बस अड्डे के पास में, और हमारे नंबर हैं 80-94-62-97-25। आइए से गाते आए हैं। एक बात बताइए क्या, और भीम बेटा तो हमारे साथ रहते ही हैं।